श्रीरामपुर के काली बाबू गंगा घाट से मिला विशालकाय मगरमच्छ। हुगली के श्रीरामपुर के काली बाबू गंगा घाट में उस वक्त दहशत मच गई जब जलकुंभी में फंसे एक विशालकाय मगरमच्छ को देखा गया। हालांकि मगरमच्छ मृत पाया गया। मगरमच्छ को देखने के लिए घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्साहित लोग मगरमच्छ को देख उसकी तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने में लग गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब कुछ लोग नदी में स्नान करने गए तो देखा कि जलकुंभी में एक मगरमच्छ फंसा हुआ है। बाद में पता चला कि मगरमच्छ मृत है। मगरमच्छ को देखकर लोगों में दहशत फैल गया। बताया कि रोज गंगा में स्नान करने आते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मगरमच्छ नहीं देखा था। अब नदी में स्नान करने में भी डर लगेगा। तत्काल स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पालिका को दी। पालिका की तरफ से वन विभाग को सूचित किया गया। फिलहाल पालिका की तरफ से स्थानीय लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि वह गंगा घाटों पर स्नान करने ना जाए, एहतियात बरतें। उल्लेखनीय है कि चक्रवर्ती तूफान जवाद के वजह से हुई भीषण बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है और यही वजह है कि इस प्रबल जलधारा में मगरमच्छ फंस गया, उसकी मौत हो गई। वह लहरों में फंस कर नदी किनारे चला आया। श्रीरामपुर नगर पालिका के तरफ से मनोज बनर्जी ने बताया कि मृत मगरमच्छ को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। मगरमच्छ का पोस्टमार्टम किया जाएगा, मौत की जांच होगी, वह कहां से आया इसका पता लगाया जाएगा। इसके बाद वन विभाग उसका प्रश्न करेगा। सकाल वाला घूमे लोग বনদপ্তর এবং পৌরসভা একসাথে আমরা কি করলাম, এই বডিটাকে মৃত কুমিরের দেহটাকে আমরা এখান থেকে তুলে নিয়েছি। বনদপ্তরের সাথে কথা হয়েছে, ডিসপোজালের ব্যবস্থা বনদপ্তরই করবে এবং পোস্টমর্টম থেকে যাবতীয় কিছু অনুসন্ধান করে কি কারণে মারা গেল, কিভাবে এসেছে, কোথা থেকে এসেছে, এই ব্যাপারটা বনদপ্তর দেখছে। পুরোটাই বনদপ্তর দেখবে। এটা কি ময়নাতদন্ত করা হবে? হ্যাঁ, পোস্টমর্টম। আমি অনুজ ব্যানার্জি, সাইটা ইন্সপেক্টর, শ্রীরামপুর।